पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन 6 के शतरंज प्रतियोगिता का मुकाबला पनोरमा ई होम्स परिसर के इंडोर हॉल में जारी है, जहां पहले अंडर 11 कैटेगरी का मुकाबला संपन्न हुआ और अब अंडर 16 का मुकाबला जारी है। इसके बाद ओपन टू ऑल श्रेणी के मुकाबले खेले जाएंगे। शतरंज प्रतियोगिता को लेकर बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का उत्साह भी देखने को बनता है। अभिभावक ऐसे आयोजन को बच्चों के लिए लाभदायक मान रहे हैं, इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। शतरंज प्रतियोगिता के दौरान पनोरमा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा के अलावा आयोजन समिति के सदस्य स्वाति बसंतरी भी मौजूद रही। प्रतियोगिता से पहले सभी मौजूद सदस्यों ने राष्ट्रगान में हिस्सा लिया, जिसके बाद अतिथियों द्वारा प्रतिभागियों से परिचय प्राप्त कर उनकी हौसला अफजाई की। गौरतलब है कि पनोरमा स्टार सीजन 6 के अंतर्गत आने वाले पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन 6 की शुरुआत बीते शुक्रवार को हुई है। लगभग डेढ़ महीने तक चलने वाले इस पनोरमा स्पोर्ट्स में अलग अलग विधाओं में कुल 7 श्रेणियों के मुकाबले होंगे, जिसमें बालक और बालिका वर्ग के हर एक उम्र के मद्देनजर टूर्नामेंट आयोजित की गई है। इनमें आमंत्रित क्रिकेट टीम से लेकर ओपन टू ऑल क्रिकेट और फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, चेस जैसे कई अहम खेलों को जोड़ा गया है। जीतने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। साथ ही साथ बड़े मंच को देते हुए आने वाले दिनों में राष्ट्र स्तर और राज्य स्तर पर अपने परचम को लहराने का मादा रख पाएंगे खिलाड़ी। बताए मैडम, पनोरमा स्पोर्ट्स का सीजन चल रहा है, चेस कंपटीशन यहाँ हो रहा है, बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये? पनोरमा स्पोर्ट्स सीजन 6 में सभी को मैं स्वागत करती हूँ। आज जो शतरंज होने जा रहा है, बहुत सारे बच्चे आए हैं, यहाँ पार्टिसिपेंट्स हैं, डिफरेंट स्कूल के बच्चे सब आए हैं। हम यही कहेंगे कि बहुत बड़ी मौका है बच्चे को, यहाँ प्लेटफॉर्म मिल रहा है, अपने प्रतिभा को दिखाने के लिए मौका मिल रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है। बच्चे बड़े देखे कि बच्चे में बहुत उल्लास है, क्योंकि उसको मौका मिला है। और यहाँ की जो वातावरण है, मुझे जब मैं यहाँ पहले अंदर आई तो मुझे थोड़ा घबरा लगा, वाह बहुत सुंदर व्यवस्था है, लगता है कि मैं इंटरनेशनल लेवल में मैं यहाँ आ गई हूँ, जिसके ऐसा ही लगा। मैं पनोरमा स्पोर्ट्स के डायरेक्टर चेयरमैन बोलिए, बहुत जाने माने नाम संजीव मिश्र जी को मैं साधुवाद देती हूँ कि इस तरह की जो आयोजन करके बच्चे को इतनी मौका दिया और इतने खिलाड़ी निकलेंगे, ये इसके लिए बहुत बड़ी बात है, पूर्णिया के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इनकी उज्ज्वल भविष्य और दीर्घायु होने का कामना करूँगी, स्पेशली मैं दीर्घायु होने की कामना ज़्यादा करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो हम लोगों को बच्चे को मौका मिलेगा और आगे भी मिलेगा। बहुत दूर दूर तक इसकी बातें चली गई है, अभी आगे बहुत फेमस हो गई। इसमें साथ में मैं हरिओम झा, गोपी जी, बबलू जी और जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ, उनकी हार्टली मैं धन्यवाद साधुवाद देती हूँ कि आयोजन कराने में इन लोगों का बहुत बड़ी बात है, और इतनी भव्य तरीके से। और मीडिया वाले को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन लोग भी इसमें लगे हुए हैं बड़ा जोर शोर से, जिसके चलते उन लोग के चलते ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा, आगे भी होगा। नमस्ते, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, और ख़ास करके मैं पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक श्री संजीव मिश्रा सर का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने एक बच्चे को इस तरह का प्लेटफॉर्म दिया है। आप खुद ही देख रहे हैं कि अंडर 11, अंडर 16, ओपन टू ऑल, उसके बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, उसके बाद फुटबॉल, और फिर सीनियर्स लोगों के लिए कॉर्पोरेट मैचेस हम लोग कहते हैं, वह इतनी सारे खेलों उन्होंने दिया है। आज शतरंज का मैच चल रहा है, सेकेंड राउंड का अंडर 11 का, कल अंडर 16 का चलेगा, कल और परसों, और फिर ओपन टू ऑल 5 और 6 मैचेज होंगे। ख़राब मौसम के कारण अभी बैडमिंटन, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल और क्रिकेट और फुटबॉल अभी आउटडोर गेम नहीं हो पा रही है। उम्मीद करते हैं कि कल तक फोरकास्ट किया है मौसम की ख़राब रहेगा, कल के बाद मौसम सही होते ही उस गेम को भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक ज़बरदस्त माहौल है, खिलाड़ियों के अभिभावक भी स्वयं मैदान में उपस्थित रहते हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और सब ये आप लोग की देन है, मीडिया बंधु के देन है। कॉर्पोरेट का जो क्रिकेट वगैरह हो रहा है या जो भी गेम्स वगैरह हो रहे, कब से स्टार्ट होने की संभावना है? आप लोग जानते ही हैं कि संजीव सर ने पहले ही कह रखा है कि कॉर्पोरेट जो आमंत्रित टीमें हैं उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दिया जाए, और क्योंकि वह लोग अपने
कामों में इतने व्यस्त रहते हैं कि एक प्लेटफार्म उन लोगों को मिले कि अपने इंजॉय कर सके कम से कम। तो बस सर के हिसाब से ही अनुसार ही उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी उसमें दो चार पाँच दिन समय लग जाए वो जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। टीम में कितना एनर्जी भर गया इस टूर्नामेंट को लेकर? जबरदस्त एनर्जी है। अब देखिए ना, 16 टीम हम लोगों को लेनी है और 22 टीम हमारे पास है। किन्हीं 8 टीम को तो छांटना पड़ेगा, हो सकता है उसमें आप लोग हों कि ना हो, वो तो ड्रॉ के माध्यम से भी पता चलेगा। कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए ये? एक पूर्णिया जिला के हिसाब से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला ये सब बच्चे के लिए, स्कूली बच्चे के लिए, कि इतना बड़ा टूर्नामेंट, इतना अच्छा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये जैसे स्टेट लेवल का जैसा टूर्नामेंट होता है, जैसे पूरा जिला स्तरीय टूर्नामेंट पर जो हो रहा है, ये बहुत बढ़िया टूर्नामेंट हो रहा है। अब बच्चे लोग को यहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोप मिलेगा आगे खेलने के लिए, और ज़्यादा सर जैसे बताएं कि सर का सहयोग रहेगा बच्चों लोग के साथ, जिनको अगर कोई तरीका का दिक्कत होगा तो सपोर्ट भी सर आगे चल के भी करेंगे चेस में। तो बच्चे के लिए, यहाँ के बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा फायदा। मेरा नाम नीरज खान हुआ, मैं चीफ ऑर्बिटर हूँ यहाँ का, मैं किशनगंज से आता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयूर गुमाचा है। कौन से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया आपने? चेस कॉम्पिटिशन है पनोरमा ग्रुप के वर्ष। अच्छा, कितनी एज है आपकी? 9। अंडर 11 में मैं खेल रहा हूँ। अभी क्या रिजल्ट आया आप गेम खेले तो? मेरे को 1 पॉइंट मिल गया अपने अपोनेंट के सामने, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आगे कौन सा फिर ग्रुप आएगा? नहीं पता, जो भी आएगा उसको मैं हरा दूंगा।